नमस्कार एरिज, एरिज यानी मेष राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी कारण से अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये उनके लिए एक जनरल लव रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिनके साथ जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि किसी से भी देख सकते हैं। और ये 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि एरिज जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। जो जिनके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन चला हुआ है या नो कॉन्टैक्ट में है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एरिज के पर्सन की करंट फीलिंग्स, द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिज जो आपके पर्सन हैं अभी, उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो एरिज हैं, वो हमेशा डिटैच रहते हैं, वो कॉल्ड रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दोनों पक्षों की बातें नहीं सोचते। इस वजह से वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, परेशानी में है, एंजाइटी और स्ट्रेस में है, हेडेक हो चुका है, प्रॉब्लम में है। चाहते हुए भी वो अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे एक्शन लें, कैसे आगे बढ़े, तो अभी वो चुप और खामोश हैं, अभी परेशानी और दुविधा में हैं। तो इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, हालांकि आपके जो पर्सन हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि डिटैच होने की वजह से, वो परेशानी और दुविधा में होने की वजह से, वो अभी चुप्पी और खामोशी के साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उन पर भरोसा करना चाहते हैं, अपने आप को उनसे उन्हें उनके हवाले यानी कि सरेंडर करना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ काम लेंगे, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि जो वो डिप्रेशन में है, जो उनको हेडेक हो चुका है, वो उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर आएंगे। तो इसलिए वो अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और वो क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए वो इसमें कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी तैयार नहीं है, तो वो समय आने पर ही उन चीज़ों का खुलासा चाहते हैं जो वो जानते हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, एरिज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं एरिज के पर्सन एरिज से क्या चाहते हैं। द चैरियट, 6 ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरिज जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इसमें आगे बढ़े, समझदारी के साथ एक्शन लें, बिना सोचे समझे अचानक से कोई भी एक्शन ना लें। वो आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक डिटर्मिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए, इसमें गिव अप ना किया जाए, क्योंकि वो इसमें गिव अप नहीं करना चाहते। वो एक डिटर्मिंड बंदे की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, एक सिपाही की तरह धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह करेंगे, तो फिर से इस रिश्ते में सेनाइयाँ जरूर बजेंगी, फिर से ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, और मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा। तो वो इस रिश्ते को स्टैंड देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि वो आप इस रिश्ते में उनका, इस रिश्ते में उन आगे बढ़ने के लिए उनका साथ दें और जल्दबाजी ना करें, रेडी पहले अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करने के बाद ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें और दोनों तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमेशा गलत होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि
बिना जल्दबाजी किए समझदारी के साथ। अगर इनमें कोई एक जना भी जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो वो मैं चाहते हैं कि उन्हें रुकने के लिए ठहरने के लिए बोलें और पहले रेडी तैयार होते हुए प्रिपेयर होते हुए तभी इसमें एक्शन लें और करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। देखते हैं एरिस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एरिस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि वो इसमें अटैचमेंट फील करते हैं। हो सकता है दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, महसूस करते हैं कि जो एरिस हैं जो भी काम करते हैं वो बहुत अच्छे से करते हैं, खूबसूरती से करते हैं, हर काम को अंजाम अच्छे से देते हैं। तो जो आपका काम करने का तरीका है वो उनको बहुत पसंद आता है। तो वो महसूस करते हैं कि आप हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं, तो वो इसलिए आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और आपका सही समय और सही वक्त आने का, इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो इसमें एक्शन यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाए और फिर इस रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार किया जाए, ताकि और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन गया है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको लग रहा है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो परिवार और फैमिली के साथ शेयर करते हुए या फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं और इस रिश्ते को जो है एक मोड़, एक अंजाम देना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो ऑप्शन होते हुए भी वो आपका ही वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग और एक शुरुआत कर दी जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ उनको उनका वेट और इंतज़ार करना है। तो वो वेट और इंतज़ार कर रहे हैं और इस रिश्ते को फ्रूटफुल, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं वो, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो वेट करेंगे, इसमें एक शुरुआत करेंगे और फिर फ्रूटफुल होने का वेट और इंतज़ार करेंगे तो जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ लग रहा था तो वही रिश्ता उनको, उनके लिए एक खुशहाली दे सकता है, फिर से आगे बढ़ सकता है और फिर से ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। यूनिवर्स अकेडमी प्लीज़, एरिस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में आप अपने आप को रुका हुआ, थंबा हुआ महसूस कर रहे हैं, पहले उस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलिए। अगर आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी लस्ट है, उनसे बाहर निकलिए। जो इस रिश्ते को, जो जिसकी वजह से ये रिश्ता भिंदा हुआ है, घिरा हुआ है, एडिक्शन है, लस्ट है, प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, अगर उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, और जो इसमें गैम्बलिंग है या प्लेइंग कार्ड्स है, ओवर ड्रिंकिंग है, ओवर स्मोकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठने का है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या जिस वजह से भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, अगर उन चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन चीज़ों को छोड़ने के बाद ही आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, इसको स्टेबल करने के बारे में सोचिएगा। अभी आपको, आप खुद अपने आप को स्टेबल कीजिए, कमिटमेंट वगैरह तभी कीजिएगा जब आप खुद स्टेबल हो जाते हैं, इसके लिए प्रिपेयर और तैयार हो जाते हैं, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाबी की तरफ होगा, जब आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं और स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हैं।
पहले खुद को इस स्टक एनर्जी से बाहर निकालिए, इस कंफ्यूजन से, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकलिए। जो जिसके लिए आप कंफ्यूज्ड हैं, चाहकर भी आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कीजिए, पॉजिटिव लोगों में बैठिए और उन चीज़ों को, उस लस्ट को, उस एडिक्शन को, उस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए जो सिचुएशन में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है इस रिश्ते में। पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को रेडी प्रिपेयर कीजिए। तभी जब आप खुद प्रिपेयर होंगे, खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तो तभी आप इसमें कमिटमेंट वगैरह कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, तभी ये रिश्ता आपके लिए स्टेबिलिटी ला सकता है, खुशहाली ला सकता है। अगर जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन लेंगे, नेगेटिविटी को नहीं छोड़ेंगे, इसी तरह ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक बन सकता है, जहरीला बन सकता है। एडिक्शन को, लस्ट को छोड़िए और पॉजिटिविटी लाइए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के बारे में सोचिए। जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है, अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, कमेंट्स करते रहिए और लाइक करते रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।